हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का, जैसे कि कल मैंने पार्ट एक आपको पढ़ाया था भाषा, हमारी भाषा, उसके आगे पार्ट दो पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। देखिए, आपने कल पढ़ा था ना, जो भी हम अपने मुँह से जो भी बात सामने वाले को समझाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को, वो भाषा कहलाती है। अब उसी के आगे हम देखते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं वही वर्ण कहलाती है। मीन्स ये जो वर्ण है, हम जो भी कुछ बोलते हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मेरे मुँह से जो भी ध्वनि निकल रही है, जो भी साउंड निकल रहा है, वही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं, जैसे भी बोल रहे हैं, पर कुछ ना कुछ तो साउंड निकल रहा है ना, तो वही वर्ण कहलाता है। और देखिए, वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, वर्ण जो है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि इसी से आगे वाक्य बनते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा अभी इस चैप्टर में जो है आगे, बस यही समझिए। अब देखिए, वर्ण, जैसे कि मैंने आपको भाषा के दो रूप बताए थे, ऐसे इसमें वर्ण के दो रूप होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर, जो कि आप पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, जो छोटा, छोटी, छोटी, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ये छोटी है, बड़ी है, मतलब ये सारे जो आ से लेके अंत तक जो आपके वर्ण होते हैं, स्वर जो भी वर्ण होते हैं, वो आपके स्वर कहे जाते हैं। स्वर हमारे होते हैं 11, और इसके बाद में का कबूतर से लेके क्या ज्ञानी तक जितने भी हम वर्णमाला में वर्ण को पढ़ते हैं, जो ये वर्णमाला है, जो आज से छोटे से बड़े क्या ज्ञानी जो हम पढ़ते हैं, उसमें छोटे आ से लेके बड़ी अंत तक तुम्हारे वर्ण स्वर हो गए। और उसके बाद जो का कबूतर की लाइन स्टार्ट होती है, का कबूतर से लेके क्या ज्ञानी तक, वो हमारे व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, जो कि 33 होते हैं। हमारे स्वर कितने होते हैं, 11 या 11, और व्यंजन होते हैं 33 या 33। ओके, तो स्वर और व्यंजन, जो भी हमारा वर्ण जो होता है, वो हमारे जो मुंह से, रिपीट कर रही हूँ मैं, कि हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि जो भी निकलती है वो वर्ण कही जाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के दो रूप होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। आ से बड़ी अखाली तक की जो भी रहते हैं, वो सारे स्वर कहे जाते हैं। का कबूतर से 11 तक व्यंजन कहे जाते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं या 33 होते हैं। ओके, थैंक यू।